हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे और टाइम हो रहा है 11:50, 12 बज रहे हैं। आदित का टीवी लगा ज़ोरों से, इसका थोड़ा अवॉइड करना ज़रा। आदित, आवाज़ तो कम कर दो। आवाज़ कम कर दो थोड़ी सी। चलो खा लेते हैं खाना। हो गई सफाई। मुझे चावल दे देना शाम के। चावल ना लेंगे आपको? प्लीज यार, नहीं, मेरा मन नहीं यार खाने का। चावल हम आपके लिए रखे हैं, नहीं आपको नहीं देंगे। कैसे इंसान हो तुम? थोड़े से दे दो, थोड़े से दे दो, मुझे अच्छे लगते हैं। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड थी बंगाली, उसने मुझे सूखी सब्जी के साथ चावल खाने की इतनी गंदी आदत डाली थी ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है सूखी सब्जी। और वैसे भी आलू बैंगन बने, आलू बैंगन हो गए, आलू फ्रांस बीन, उसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं सूखे चावल के साथ सूखी सब्जी, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। सॉरी, कद्दू खाओ ना बेटो, भी रुक जाओ थोड़ी देर, सुनाई दे रहा है ना आपको? ऐसे भी दे रहा है ना? सारा काम हो गया है आज। मैंने सुबह ही 7:30 बजे उठ के कपड़े धो लिए थे, पोछा लग गया है फिनाइल का, क्योंकि आई थिंक 5-7 दिन के बाद पोछा लग रहा है। झाड़ू तो लग ही जाता है बट पोछा नहीं लगा था, तो पोछा आज लगा है। कपड़े धुल गए, पोछा हो गया, नहाना धोना हो गया, सब काम हो गया। अब खाएंगे खाना, सुबह से कुछ नहीं खाया है मैंने तो। केला खा लिया था और नाशपाती खा ली थी। किसी ने एक बात बताओ, फन फैक्ट पूछूं तुमसे? पूछो। नहाना धोना इकट्ठा क्यों बोलते भाई? ऐसे बोलते हैं, मुंह धो लिया खुद नहा लिए। अपनी अपनी दिमाग की उपज है, जो सोचना चाहता है भी क्या धो लिया क्या नहा लिया। पता है इसका बड़ा माइथोलॉजिकल, ये वाली तुम्हारी बात नहीं डाल सकती मैं ब्लॉग में। बोला मुस्कुराता मैया। यार तुम इतनी गोरी कैसे हो रही हो यार? मैं कुछ भी लगाया, मैंने क्रीम भी नहीं लगाई है आजकल, तो मैं स्किन केयर भी नहीं करती इतनी, मैं लेजी हूँ ना आजकल कि मैं मुंह भी नहीं धोती। ब्यूटी स्लीप ले रही हो ना, ये सोने से उठती है ऐसे ही, पता तुम्हें? तो ऐसा आपने मुझे पहले, मतलब अगर मैं 12 घंटे सोता रहा ना तो मैं बहुत गोरा हो जाऊंगा। ये तुम और कितना गोरा होना है मुझे बताओ, मतलब खून निकल जाए भाई। तूने मेंटोस की एड नहीं देखी भाई? वो मुंह खोलता और लाइट जल जाती, स्ट्रीट लाइट पे बंदे अपना मुंह खोल के लाइट जला रहे। चलो हम लोग खाना खा लेते हैं, देखते हैं आज का क्या प्लान बनता है। हाँ, और किसी ने मुझसे बोला था कि प्रेगनेंसी में केले नहीं खाने चाहिए, तो प्रेगनेंसी में मतलब सेकंड जो आपका वो होता है ट्राइमेस्टर होता है, आप मतलब 2 केले एक दिन में खा सकते हो, केला बहुत अच्छा होता है। हाँ, थर्ड ट्राइमेस्टर में बोलते हैं कि केला थोड़ा अवॉइड करना चाहिए खाने में, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर में केला बहुत अच्छा होता है। क्यों, क्या कहते हो? कहते हो यार मैं प्रेग्नेंट हूँ नहीं, मैंने कभी खाया नहीं, मैंने कभी इसको स्टडी भी नहीं किया, तो मैं क्या क्या बोलूँ? एक्सपर्ट है? तुम्हारे फेवरेट भी नहीं है ना केले? तुम्हारे फेवरेट भी नहीं है ना केले? मेरे को थोड़े एक्सोटिक फ्रूट्स अच्छे लगते हैं, एवोकाडो। इतने भी वो ची टुच्ची बातें करते हो तुम यार। टुच्ची बातें तो वो लोग करते हैं, मोटी सोई पड़ी रहती है भैया। जो आदमी प्रेग्नेंट होगा वो सोए रहेगा, वो मोटा ही होता है। उसने मेरी शक्ल देखी ना, सिर्फ भी मोटी है, उसने ये नहीं देखा कि फैक्टर नहीं देखा कि ये क्यों मोटी है। नहीं तो वो मतलब, वो क्या मतलब, ऐसी होगी ठंडी, हो सकता है उसके अंदर कुछ भी नहीं हो बॉडी। वो उन लोगों में से होगी जो वो वाली, वो जो ऐड नहीं आती कि अपने अपना वजन बढ़ाए, मैं पहले बहुत पतली थी, अब मैंने ये वाला वो कर लिया, ये वाला चूरण खा लिया, बाबा जी की दया से मैं बहुत मोटी हो गई, मेरी शादी नहीं हो रही भाई। उसको वाली ऐड देखनी चाहिए। हाँ भाई, आपका जो पतले है वो, उनको अगर ऐसा लगता है कि अगले वाला बंदा मोटा है तो उनको नहीं देखना चाहिए ना, कॉम्प्लेक्स आ जाएगा ही। तो चलो हम लोग खाना खा लेते हैं। जलता है मजनू जलता है, वेलकम का डायलॉग है, तो तुमने देखा है? हाँ। मुझे बोलते जलता है मजनू जलता है। चलो खा लेते हैं ना, जो मैंने बनाया है। हाँ, इन्होंने बनाया आजकल खाना, यही बनाते हैं, मैं नहीं बनाती, यही बनाते हैं सुबह भी शाम भी।
पर मैं इतना स्वाद खाना बनाता हूँ कभी कभी तो मेरे को खुद ही मिलता है। कई बार तो दिल ही नहीं करता वैसे हम खाना अच्छा बनाते हो पर कभी कभी तुम लिद बहुत देते हो कुछ अजीब जैसा कर देते हो। मेरे को पता लग गया भाई मम्मी हमेशा अच्छा खाना क्यों नहीं बनाती है ना, मम्मी इसीलिए अच्छा खाना जैसे रोज बनाना है वो। चलो तो जी खाना वाना हो गया है, दोपहर के हो रहे हैं 12:20, 12:22। अभी अभी मैंने एक व्लॉग जो है पब्लिक किया है और अब कुछ कपड़े जो मैंने अभी निकाले थे, बहुत से लोग पूछते हैं कि ये गिटार कौन बजाता है, तो नीरज को बहुत शौक है गिटार बजाने का बट ये बात अलग है कि उनको टाइम नहीं मिल पाता इतना कि वो गिटार जो है वो बजा पाए। किसी ने कहा भी था कि प्लीज़ आप एक बार व्लॉग में उनको बोलना कि गिटार बजा के सुनाए, तो मैं कोशिश करूँगी अगर वो कभी सुना पाए तो। तो वैसे तो मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं पहले, बट कुछ एक कपड़े थे जो मैंने मतलब जैसे हम मैं और आदित्य नहाए तो मैंने वो भी मशीन में डाल दिए थे, वो भी धुल गए हैं, तो उनको छत पे देखती हूँ, पहले देख के आती हूँ मौसम है डालने वाला कि नहीं, और बाकी जो मैंने पहले से डाले हुए हैं कपड़े उनको लेके आते हैं। मौसम भी दिखाती हूँ आपको, सुबह तो धूप थी पर अभी धूप नहीं है, अभी बादल आ गए। तो ये मैंने धोए हैं कपड़े, आधे उठा भी दिए हैं आधे पड़े हुए हैं। ये देखो अभी 1:30 बज रहा है दोपहर का, पर आपको लग नहीं रहा होगा कि 1:30 बजे जैसा मौसम। ये मैं अंदर से ही दिखा रही हूँ खिड़की से, बहुत ही अंधेरे वाला मौसम हो गया है, बहुत ख़तरनाक तेज़ बारिश आने वाली है अभी। हाय गुड मॉर्निंग, आज है नेक्स्ट डे, सुबह के 10 बज रहे हैं। हाँ क्या कर रहे हो, वो उसको रहने दो, वो खांसी की दवाई है, आपको खांसी है क्या? नहीं है ना, तो रख दो। कहाँ है ग्लूकोज? नहीं वो काफ़ी लेट है। हाँ अब हम खाएंगे खाना ब्रेकफास्ट, और आज बनी है आलू बीन्स की सब्जी और चपाती। तो हम लोग ऐसे ही खाते हैं 10:30 बजे तक भी, पर अभी खा रहे हैं क्योंकि उसके बाद मुझे बिठाना है आदित्य को पढ़ने के लिए, इसका जो है टेस्ट है आज, क्लास भी लगती है इसकी लेकिन कभी कभी लगती है, रोज़ नहीं लगती है, तो इसका भी टेस्ट है, वो टेस्ट करने के लिए बिठाना है इसको हिंदी का। और कल शाम को बारिश लग गई थी, उसके बाद फिर मैंने व्लॉग भी कुछ कैप्चर नहीं किया और हम थोड़ा सा मार्केट की तरफ चले गए थे, मार्केट इधर ही धर्मशाला में ही अमर टेक्स गए थे हम, तो कल हम सिर्फ ऐसी चीज़ें लाए, चिटर पुटर चीज़ें, जैसे ही कभी मन करता ना कुछ भी खाने का, जैसे ये मठरी हो गई और नमकीन बिस्किट, ये सब चीज़ें लेके आए, और लेके आए हैं कहाँ गए, अच्छा और ये लेके आए कैंडी, तो पिछली बार मैं ऑरेंज वाली टॉफीज का पूरा ही वो लेके आ गई थी, बट फिर मैंने नोटिस किया कि वो ना पिघलनी सी शुरू हो जाती है क्योंकि मैंने बाहर रखी थी, फ्रिज में नहीं रखी थी, तो मैं ये वाली लेके आई हूँ अभी पानी कैंडी, थोड़ी देर के लिए बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है इससे। तो आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट की है, मुरब्बा आंवले का, बहुत सारी चीज़ें, और मैं ट्राई करूँगी, अभी मेरा मन नहीं करता कुछ भी खाने को, तो ये ले के आई हूँ मैं पान फ्लेवर की, मुझे वैसे भी पान वाले टॉफ़ी बड़ी अच्छी लगती है। गए तो हम कुछ और लेने के लिए गए थे बाथरूम में ना, वो होता है ये देखो यहाँ पे मेरा कितना बड़ा ये बाल है, दिख नहीं रहा ना, ऐसे नहीं दिख रहा ये ना, इसको तोड़ो फिर ये फिर से बड़ा हो जाता है यहाँ पे। हमें गए हम वो लेने गए थे बाथरूम के लिए ना, पटरा लेने गए थे क्योंकि जो दूसरा वाला है हमारा वो टूट रहा था, तो हमने सोचा कि नया ले लेते हैं ऊंचा सा ताकि बैठने में
इजी रहे, अनकंफर्टेबल ना रहे, इसलिए तो अब खाएंगे खाना। हम खाने के लिए थोड़ा ब्रेकफास्ट के लिए इसलिए इतना वो टाइम लग जाता है क्योंकि आदित दूध पीता है 8:30-9 बजे के करीब, फिर एकदम से खाना दे दो तो उसको भी भूख नहीं होती है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है ब्रेकफास्ट करने में। चलो कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। मौसम फ़िलहाल अभी कभी हल्की हल्की सी धूप निकल रही है, कभी बादल आ रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि आज जो है ये मौसम साफ रहेगा। कपड़े कुछ मेरे कल सूखे थे, कुछ बाहर ही फैलाए हुए हैं मैंने, जब सूखे तब सही। तो चलो खा लेते हैं खाना। एक मैं ये भी लाई हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, गुड़ पारे। ये मैंने इतने खा भी लिए, मतलब आधा था ये डब्बा, ये मैंने कल से लेके इतने फिनिश कर दिए। ये मैंने यही रखे हुए हैं बेड पे ही, जब मेरा मन करता है तो मैं खा लेती हूँ, जब मेरा मुंह का टेस्ट बिगड़ने लगता है ना तो मैं इसको थोड़ा सा खा लेती हूँ। तो ये रही आलू फ्राइज़ बिन, ये मैं अपने लिए डाल लेती हूँ क्योंकि आदित को आलू ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो इसकी प्लेट में आलू ज़्यादा डालती हूँ और अपनी में कम। लो आदित खाना। बेटा आप ये क्या हालत बना के रखते हो घर की यार, हटो उठो बैठो बेड पे, सारी बुक्स ऐसे फैला के रखी है, ऐसे इतने पढ़ाकू तो नहीं हो आप। लो आलू ज्यादा दिए मैंने, ठीक है। ये आप लोग यार बोलते हो कि आपका घर फैला रहता है, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं, तो क्या कर सकते हैं, बच्चे के साथ ऐसा ही होता है। मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी कि अगर आपके घर पे बच्चा है, छोटा बच्चा है, और फिर भी आपका घर एकदम साफ सुथरा रहे, तो समझ लो कि उस घर में उस बच्चे का बचपन छीन चुका है। क्योंकि बच्चे यार अब ये फैलाते ही फैलाते हैं, अब ये यहाँ से बुक्स उठाएगा, वहाँ बेड पे फेंक देगा, मैं कितनी बार खेलने से रोकूँ, कितनी बार खिलौने ना लेने से, खिलौने इसीलिए लेते ना बच्चे ताकि खेल पाए, अब वो एक जगह कहीं पे बैठ के वैसे खेले तो वो तब होता है जब 2-3 बच्चे साथ में हो, तब वो एक जगह बैठ के मतलब वैसे कि खिलौने एक साथ बैठ के खेल रहे हैं, अब इसको बाहर जहाँ दिल करता है वहाँ फेंक देता है अपने टॉयज, तो कितनी बार समेटोगे और कितनी बार उठाओगे, तो बिखरा रहता है घर, तो बिखरा रहता है, अब उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, या तो बच्चा खेल सकता है या फिर आप अपना घर ही समेट सकते हो। और आदित टीवी की आवाज़ थोड़ी कम कर दो बेटा, बस इसको ये थोड़ी देर है टीवी, फिर इसको पढ़ने बैठ जाएगा तो वैसे ही 2-3 घंटे इसके आराम से निकल जाएंगे बिना टीवी के। तो चलो मैं खाना खा लेती हूँ, अपनी प्लेट भी मैं यहाँ पे लेके आ गई हूँ। तो जी खाना पीना हो गया, सब कुछ मेरा तो हो गया, आदित का चल रहा है, इसके बाद मैं बनाऊँगी साबूदाने की खीर दिन के लिए, मुझे साबूदाने की खीर बहुत अच्छी लगती है। तो ये साबूदाना जो मैंने ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, फूल गया है, ये मैंने कल से लेके जो डाला था, पहले मैंने सोचा था कि मैं खिचड़ी बनाऊंगी, बट फिर कुछ और बनाने का प्लान बन गया तो खिचड़ी नहीं बनी, फिर ये साबूदाना ऐसे ही रह गया, फिर मैंने सोचा कि आज मैं इसकी बना दूंगी खीर, लेकिन पहले मैं ये बर्तन बुर्तन सब कुछ समेट लूँगी। लेकिन इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, अदरवाइज़ ये ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग इतू सा भी कुछ अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, कमेंट ज़रूर करके बताना, और कमेंट के अगर मैं रिप्लाई नहीं कर रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कमेंट पढ़ती नहीं हूँ, मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे हर एक सिंगल कमेंट की नोटिफिकेशन आती है, तो कमेंट ज़रूर करना। तो चलो फिर बाय, और सब्सक्राइब भी कर लेना।